तो क्या हाल है सबके। स्वागत है आप सबका मैं एक और नए ब्रांड न्यू रैंक पुशिंग के गेम प्ले में। तो इस वाले गेम में हम खेल रहे थे अपने वल्चर भाई के साथ और हम कूदे थे हमारे प्यारे पोचिंग के में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हैकर थोड़े से कम है और फिलहाल हैकर का जो मतलब जो हैकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैन हुए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा रश खेल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा, मतलब इतना भी रश नहीं लेकिन थोड़ा सा रश खेल रहे ताकि थोड़ा सा पॉइंट भी ज़्यादा मिले और थोड़ा सा मतलब आपको गेम प्ले देखने में मज़ा भी है। तो आप लोग प्लीज़ गेम प्ले को एंड तक देखना यार, मतलब आप लोग बीच में छोड़ के चले जाते हो तो भाई मतलब बहुत ख़राब लगता है। मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ लेकिन आप पूरा नहीं देखते हो। इस वाले गेम प्ले में जो लास्ट में जो ओम के शॉट्स हैं और जो स्नाइपिंग है वो आपको अब देख के जाना। यहाँ पे हम पोचिंग से लूट बूट करके निकल लेते हैं। पोचिंग में तो कोई नहीं आता लेकिन पोचिंग के बाहर का जो स्क्वाड हाउस है वहाँ पे एक बंदा आता है और ये बंदा मतलब किसी पे मतलब किसी बोट को मार रहा था। तभी यहाँ पे आते हो देखो, ये बंदा कुछ बोल नहीं आता। तभी देखो भाई मतलब, तो भाई इस बंदे को मारते हैं, इस बंदे से अपनी मतलब जो लूट है इस पर लूट भी लेते हैं। उसके बाद जा रहे थे आगे की तरफ, तभी देखो पोचिंग के बाजू में हुआ था ड्रॉप। तो हम ड्रॉप पे आते हैं तो ड्रॉप पे था शायद से एमके। हाँ एमके था। तो मैं एमके नहीं उठाता, बल्चो को बोलता हूँ बल्चो भाई तुम उठा लो एमके। तो बल्चो एमके उठाता है। उसके बाद हम फिर से जाते हैं बंदों की तरफ और आपको तो पता है हम कहीं जाए और ना जाए बंदे हमने अपार्टमेंट जरूर आएंगे। और यहाँ पर जो सीन होने वाला बस देखो, मतलब मैं जैसे ही गया भाई स्कूल से फायर हुआ तो भाई मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि बंदा कहीं थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन बंदा गड़बड़ नहीं था। बस देखो मैं ऊपर जाता हूँ, बंदा पिक करता है और अभी जो एक डीपी का जो लेजर स्प्रे होने वाला है उसके लिए एक लाइक अभी क्या बैठा नहीं कर पाया, मतलब ये स्प्रे नहीं है एक बस्ट था। तो ये बस्ट में हेड ही हेड चिपका है उसको भाई। उसके बाद मैं बोलता हूँ भाई अभी जोन आने में थोड़ा टाइम है तो बंदे को मार के जाते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे जो गलत सीन होने वाला था, स्कूल में भाई एक नहीं दो नहीं तीन तीन टीम होती है, तीन तीन टीम, और हम तीन टीम के बीच में फंसने वाले थे। और भाई मेरे साथ जो गलत सीन होने वाला है अभी बस देखो, मतलब बस देखना। हम जैसे आए भाई ऊपर से फुटस्टेप, साइड से फुटस्टेप, पीछे से फुटस्टेप, हर जगह से फुटस्टेप फुटस्टेप, मतलब हम तो पहले कन्फ्यूज़ हो गए कि बंदे भाई मतलब मीटअप तो मतलब टीम अप तो मतलब नहीं खेल रहे हैं। फिर मैंने अच्छे से देखा और समझा सब कुछ। तो भाई मतलब बंदे टीम अप नहीं कर रहे थे लेकिन एक ही जगह पे होल्ड करके बैठे थे इतने टाइम से। तो मैंने एक शील्ड लगाया, वल्चर ने भी एक शील्ड लगाया। उसके बाद मैं भाई मतलब वल्चर के साइड से कर दिया था दोनों दो दो, दो बंदों ने रश। तो मैं पहले एक नेट डालता हूँ अभी देख, तो यहाँ पे क्या हुआ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको अगर पता चला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब यहाँ पे जो सीन हुआ ना भाई उसके लिए भाई अभी के अभी सस्ता बनता है भाई। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब मैंने बंदे को डैमेज दिया, बंदे ने मुझे डैमेज दिया, लेकिन मैंने जो प्री ग्रेनेड किया था उस ग्रेनेड से बंदा फूट गया। और यहाँ पे देखो क्या होता है भाई, मैं रिवाइव होकर उठा ही था कि फिर से नॉक हो गया। मतलब भाई क्या दिक्कत है मेरे से भाई, फर्स्ट एड लगाने दो यार, क्या दिक्कत है। उसके बाद दोनों बंदों ने कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हो जाता है एक मज़ेदार सीन। यहाँ पे जो दो बंदे थे वो अलग अलग थे, मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया। उसके बाद वो दूसरा बंदा था वो करता है हम पे रश, लेकिन बंदा हम पे रश करे तब तक उससे पहले मैं पे थोड़ा सा लूट लेता हूँ क्योंकि मेरे पास लूट बहुत कम था। वो हेलमेट वगैरह बहुत सारे फूटे थे। तो यहाँ पे लूटने के बाद मैं सबसे पहले करता हूँ ग्रेनेड, क्योंकि भाई आपको तो पता ही है मतलब मैं कुछ करूँ या ना करूँ ग्रेनेड भाई बहुत अच्छे करता हूँ। क्योंकि ये ग्रेनेड जैसे ही किया भाई ग्रेनेड से भाई बंदा बहुत लो हुआ। देखो भाई साहब, मतलब ग्रेनेड से बंदा पूरा उछल के बाहर आया और भाई मैंने मार दिया। तो उसके बाद भाई यहाँ पे थोड़ा सा और लूटते हैं और सीधा मतलब जाते हैं जोन के अंदर, क्योंकि भाई जोन काफ़ी दूर था और हमें जोन में जाना था, क्योंकि भाई जोन के बाहर जाएंगे तो भाई सीधा मरेंगे। उसके बाद हम आए थे भाई इस ब्रिज के पास। तो यहाँ पे आके बहुत टाइम से होल्ड कर रहे थे, तभी देखो सामने की तरफ से मुझे एक एक टीम स्पॉट हुई। बोल चले बोला कि देखो सामने देखो बंदा आ रहे हैं, तभी मैंने इस बंदे को स्पॉट किया और देखो बस बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया, बंदे को मैंने नॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं नॉक हो गया, उसके टीममेट ने भाई मुझे नॉक कर दिया। मतलब मुझे स्प्रे आ रहा था लेकिन भाई नॉक करना ज़रूरी था। उसके बाद मैं जैसे रिवाइव होता हूँ भाई फर्स्ट एड वर्स्ट एड बाद में लगाऊंगा, पहले भाई उस बंदे को फिनिश करना है, क्योंकि बंदा का रिवाइव हो गया तो बहुत दिक्कत होगा। तो बंदे को करते हैं फिनिश, उसके बाद फर्स्ट एड लगाते हैं, हील भी करते हैं। उसके बाद देखो उस बंदे को कैसे भरते हैं। तो मैं फर्स्ट एड लगाया, तो मैंने वल्चर को बोला कि वल्चर देखो हमारे पीछे हुआ है एक ड्रॉप, तो तुम जाओ गाड़ी लेके उस ड्रॉप को लूट के आओ। लेकिन जब बंदा जैसे ही मतलब वल्चर गया था ड्रॉप को लूटने,
वैसे ही बंदे को लगा कि हम बंदे को दोनों तरफ से घेर रहे हैं, ठीक है, और हमें भी ये मतलब इसी मौके का इंतजार था। तभी बंदा ओपन में निकलता है, बस देखो बंदा भी ओपन में आएगा, जैसे ओपन में आएगा तो बस देखो भाई, मतलब बंदा इतना डर गया क्या ही बोलूं। तो बंदे को मारने के बाद हम निकलते हैं अगले जोन में, क्योंकि भाई फिर से जोन शिफ्ट हो गया, और भाई ये जोन जो है ना भाई कितना भगाता है हमको, बस देखो। उसके बाद हम इधर से आए थे इन वाले घरों पे, यहाँ पे देखो एक बंदा होता है ऑफलाइन था, या पता नहीं कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या ही कर रहा था, देखो मतलब पता नहीं क्या मतलब बंदा कर क्या रहा था, मतलब छोड़। उस बंदे को मारते हैं भाई, और फिर बच्चा बोलता है शायद से वो सस्ता नशा कर रहा था, तो भाई ऐसे नहीं बोलते यार कभी किसी को। उसके बाद बंदे स्पॉट करते हैं, मुझे ओपन में बंदा स्पॉट होता है, देखो बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन भाई उसके टीममेट ने लगा दिया ओम। तो मैंने वल्चर को बोलता भाई फटाफट गाड़ी लगा, वरना भाई मुझे फिनिश कर देगा ओम से। तो यहाँ पे वल्चर ने क्या ही गाड़ी लगाया भाई, इसके लिए भाई एक कमेंट और एक लाइक होना चाहिए भाई। वल्चर ओपन द चैट कर दो यार, ये भाई उनके बाद में पहले सबसे पहला काम नॉक वाले को फिनिश करना। उसके बाद भाई वल्चर बोलता है कि भाई मेरी ओम ले लो और उनको मारो। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस ओम ब्रो एंड लव यू ब्रो, लव यू वल्चर। तो वल्चर मुझे ओम देता है, और उसके बाद देखो क्या होता है। ओम वर्सेस ओम था इधर भाई, उस पर भी ओम था, मेरे पे भी ओम था भाई, दोनों ने ओम ओम चलाया, लेकिन मेरी गोली पहले हिट हुई, फिर मज़ा आ गया। तो उसके बाद भाई बचा था बस लाश बंदा। तो ये लाश बंदा को हम बहुत ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं, मैंने वो मतलब बहुत सारा पार्ट आपको हटा दिया, लेकिन तभी देखो अचानक से बंदा मुझे स्पॉट हुआ ऊपर की साइड, आपको भी शायद से स्पॉट हुआ होगा ऊपर, देखो स्पॉट हुआ। हाँ एक शॉट लिया मैंने उस पर, दूसरा शॉट चूक गया, फिर बंदा चला गया कवर में। तुमने अलजा को मार करके बताया कि बंदा इधर की साइड है। तो उसके बाद बंजे पे एक दो नेट डालता, लेकिन बंदा क्या करता है, बंदा भाई निकला था ओवर स्मार्ट, बंदा क्या करता है भाई हमारी गाड़ी लेके निकल जाता है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि भाई मेरा इस पर पता नहीं कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भाई बल्चर के साथ होने वाला था बहुत गलत वाला सीन। बल्चर भाई एकदम से शील वील लगा के एकदम अपना घर बसा के बैठा था, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत ही होने वाला था। अभी देखो अभी बल्चर पे नेट होंगे, ठीक है, एक नेट होगा वो मतलब वो बच जाएगा, लेकिन अगला जो नेट होगा भाई बंदा फूट गया। तो मैंने सोचा भाई उसने जब मेरे बंदे को नेट से फोड़ा, भाई मैं भी उसको नेट से ही फोड़ूंगा। तो मैंने एक डाला एक प्यार सन नेट, इस नेट से बंदा पैनिक के मारे या फिर डर के मारे आगे बाहर, और भाई चल गया मैं हाथ। और बल्चर ने पहले ही बोला था भाई मैं नॉक हो गया, तो तुमने अगर चिकन नहीं निकाला तो भाई देखना। तो भाई हमने चिकन निकाल लिया बल्चर भाई के कहने पर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मैं उधर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सायोनारा, पीस आउट।